नमस्कार। क्यों बे? क्या कर रहा है यहाँ पे? साले पागल हो गया है तू? ये बता, इसमें मेरी बहन को जानता है? कहाँ पर? घर पर होंगी। चल ठीक है, हम बैठते हैं, उसके बाद कुछ बात। जय हिंद, जय हिंद नाराना साहब। और बताओ? और सब ठीक है? ठीक है ना? कुछ जरूरी काम से आया। आज कारण क्या है कि तुम मेरे पास तक दौड़ते हुए चले आ रहे हो? ये बात जी हाँ जरूर बताऊंगा। दोस्तों, मैं आज ही कहना ये चाहता हूं कि आपकी जो छोटी बहन है जी हाँ, मैं चाहता हूं कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गया। मैं कहने का मकसद समझा नहीं तुम्हारे। कहने का मतलब साफ है कि आपकी बहन जिसका नाम नीतू है जी हाँ, उसकी शादी आप मेरे छोटे भाई नाग सिंह के साथ में कर देते हैं तो हमारी आपकी दोस्ती बदल जाएगी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोचता था कि एक ना एक दिन तुम्हारे यहां रिश्ता मैं जरूर करूंगा। राणा मेरे दोस्त, ये शादी मुझे मंजूर है। ठीक है दोस्त, लेकिन मैं अपनी बहन से पूछकर तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप अपनी बहन से बातचीत कर लें, उसके बाद हमें फोन करना, हम बारह लेकर वापस। बहुत अच्छे घर जा सकते हैं। हाँ मास्टर साहब, हमारे भैया राजू बोल फूलचंद थे। अमर जी नहीं, फूलचंद थे। 21 पुरस्कार पार्टी हार्द शरण हिमान साहेब, जमन चीज ढूंढत रहे आप, वो चीज आपका मिल गया। जी हाँ, इसलिए ऐसा घर द्वार कब मौका मिले ना। सही कह रहा है बाबू साहेब, खेती बाड़ी है, घर द्वार है, हवेली सवेली सब यहाँ सब कुछ है, और लड़का भी ठीक है, रुतबा उतबा सब है। जी हाँ, सबसे पहले नीतू को मेरे पास बुला। भैया आज क्या बात है कि आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सुनिए भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना क्या चाहती है बोल। और चेहरे पे भैया खुशी आज छाई, खुशी आज छाई। और कहो बात क्या है बहन पास आई, कहो बात क्या है। ओ बहन पास आई, बहन पास आई, बहन पास आई, बहन पास आई। और कहो बात क्या है बहन पास आई। नीतू, मैं तुझसे जल्दी में बातें करना चाहता हूँ बहन। कहिए भैया। क्योंकि मुझे ड्यूटी की देर हो रही है और मेरे पास समय नहीं है। बात यह है कि मैं तेरी शादी कर देना चाहता हूँ। शादी? जी हाँ। तो मेरी शादी भैया हर कहाँ पे रचाए। अच्छा, मेरी शादी भैया हर कहाँ पे रचाए, हर नाम क्या है उसका मुझे वो बता। मेरी बहन, मैं भी जानना
बताती हूँ कि मेरी शादी किससे हो रही है, उसका नाम क्या है और वो रहने वाला है। मेरी बहन भैया नीतू, अगर तू जानना ही चाहती है तो लड़का ग्राम भेवरिया का है और उसका नाम नाग सिंह है। क्या कहा? जी हाँ, क्या दोस्त जिनका नाम राणा सिंह है उनका छोटा भाई है वो, उसका नाम नाग सिंह है। तो यानी कि आप मेरी शादी नाग सिंह से करना चाहते हैं? जी हाँ। राजू, ए राजू, अरे इधर आओगे, कुछ काम है भैया। भैया आप मेरी शादी नाग से करना चाहते हैं तो सुनिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो उसकी तारीफ ज्यादा ना भैया करो, वो दगाबाज जालिम बदकार है, हाथ को जोड़ करके ये विनती करूं, साथ उससे करूं ना यही इनकार है। कहा? हाँ भैया, वो लड़का ठीक नहीं है, मैं ये शादी उससे नहीं करूंगी। भैया तू पागल हो गई है, देख मेरी बात। सही है साहेब, तुम बच्चे कहते हो कि ट्रैक्टर नहीं ठीक बा साहेब। ट्रैक्टर हराम जाते ट्रैक्टर की कलेक्टर पागल कहेगा, उसका कलेक्टर नहीं सही है, तू पागल हो गया है। देख मेरी बहन रहेगी तो हमेशा वहाँ खुशहाल रहेगी, क्योंकि उनके पास काफी जमीन जायदाद और कम से कम 3 करोड़ की हवेली है उनकी। अरे साहेब, उनके जमीन जायदाद पे उनके हवेली कुकुर मुते है। कब है? जब वो कह नेचर में सही बात का करी। आखिर नेचर में क्या हुआ है? नीतू धरा, नीतू भैया ये बता, तू शादी इनकार क्यों कर रही है? क्योंकि लड़का भी ठीक है और मेरे दोस्त राणा भी ठीक हैं, कोई कमी नहीं है तुझे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी बहन। भैया वो लड़का ठीक नहीं है भैया, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तू पागल हो गई है क्या? ये बता कि मेरा कहना तू नहीं मानेगी? भैया हाँ, अगर आपको अगर शादी करना है भैया तो आप ऐसा करिए कि मेरी शादी मेरे प्रेमी मलखान से करा दीजिए। क्या कहा? तेरे प्रेमी मलखान से? जो नखिया बची रहे वो तो है नखिया कट गया। मुझे पता था। सुन मेरी बात नीतू धरा, ये बता मेरी बहन कि मैंने तेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रख दिया कि तू एक मुजरिम से प्यार करने लगी? बता, तुझे तो खुश होकर के मैं जो कह रहा हूँ तुझे वो काम करना चाहिए था। भैया आप मेरे जीने मरने के साथ ही नहीं हैं, मेरी भी इच्छा है, मेरी भी तमन्ना होती है कि मैं जिससे प्रेम करूं उसी से शादी करूं, ऐसा नहीं कि मैं आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करूंगी। तो सुन मेरी बात, तुझे शादी करना होगा तो नाग सिंह से, वो ना मलखान से शादी कर। मैं शादी करूंगी तो मलखान से करूंगी, वरना शादी नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं करूंगी शादी। हराम दादी, मेरी माँ बचपन में मर गई, मेरे पिताजी बचपन में खत्म हो गए, इसे पाल पोस कर आज 20 साल की हो गई है, तो मुझे जवाब दे रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों भैया? मेरा कहना मान ले। भैया मैं आपका ये कहना कभी नहीं मानूंगी, अगर मैं शादी करूंगी तो अपने मलखान के साथ में करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। मैं कह रहा हूं मलखान के साथ में शादी कभी नहीं होगी, मैं मलखान से ही शादी करूंगी। राजू हाथ कड़ी ले आ और इसको हाथ कड़ी लगा, बहुत जल्द Thank you.
मेरा कहना मान ले। ये आपका कहना कभी नहीं मान सकती मैं। अगर मैं शादी करूंगी तो मैं अपने प्रेमी से करूंगी, क्योंकि मैंने उन्हें वचन दिया है तो ठीक है, जिएंगे साथ में और मरेंगे तो साथ में। ये बात है तो मेरा भी कहना है, मेरा भी वसूल है कि तुझे जाना होगा तो मेरी मर्जी से। सुन मेरी, ठीक है, जिंदार में डाल दे, उसके बाद इसको खाना और पीना कुछ भी मत देना, ठीक है ना। मैं यहां से चल रहा हूं। मेरे मालिक, अब मेरे भाई भाई नहीं बल्कि कसाई हो गए हैं। मलखान तुम कहाँ हो? मलखान आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मलखान ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। भैया राजू, ये बताइए कि आखिर हमसे आपकी दुश्मनी क्या है जो कि इतनी बेरहमी से घसीटते हुए ले आ रहे हो? बच्चे हो ना, हमार दुश्मनी है तहा दुश्मनी है। ये दुश्मनी है तुम्हारे भैया जो न है हमारे ऊपर तुमका सौंपे हैं, हमका देखभाल कर एक बार चलते हम बंद कर देते तो का कमरस का तो जाओ ना। राजू अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं अपने घर से भाग जाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। राजू तुम देखो, साचो जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। देखो साथी सरदार जी, सरदार हम चुने और नए सरदार अपने बीच में आने वाले हैं, हम लोग अपने ड्यूटी पर बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। ठीक है कोई सरदार जी, जय मां भवानी की। मेरे साथियों, जिस कारण से मैं आपके पास आया था और हाथों में बंदूक उठाया है, आज उसका कारण बताना चाहता हूं और उसके मकान पर चढ़ाई करना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, जानकारी भी करना चाहते हैं। हाँ वही बात, और सुनो साथियों ध्यान से मेरे दिल की बात, और दलाराम को लूट लो चल कर यार। दलाराम को लूट लो चल कर यार, मेरे दिल में आज यही तमन्ना है, यही ख्वाहिश है।
कि पहला प्रथम दया राम के मकान पर कर दो और उस हराम जादे को दुनिया से मिटा दो। सरदार जी साथियों दयाराम सेठ को मौत दिया जाएगा, मौत दिया जाएगा, मौत का कलेजा नहीं होना भी चाहिए। और मेरे साथ देर बिल्कुल न कीजिए। घर से भाग आई हूँ, घर से काफी दूर चली आई हूँ, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। सुबह का टाइम है, अभी जो सामने हवेली दिख रही है मैं चल रही हूँ इसी में पनाह लूंगी। या मेरे मालिक तू मेरे मलखान से मिला दे मुझे। रब को याद आए के बाद तुमका का करे के चाहिए बेटवा का तुमका खुद मालूम हो। मालूम तो हमका हो इंदा सेठ जी, अतः इंतजामो कई दे ही हम ई बतावा। सुबेर होई गवा, सुबेर होई गा, आखिर हमार बियाहवा कहू ठिकवाया कि नहीं ठिकवाई बैठा उतने में ये बात कर दे तू ऐसा कुछ हाल मेरा सुन कर आ जाए मेरा मसीहा ये बताओ इतनी ठंडक में और इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? सेठ जी बोलो, मैं आपको सारी बात बताऊंगी सेठ जी। क्या हुआ आपको, क्या परेशानी है भाई? जानकारी तो आपको देना ही पड़ेगा। हर ठंड से थर थरा ठंड हो रही है। ओ हमारा बदन
मजबूर हूँ, पास ना कोई मेरे घर से काफी दूर हूँ। बात तो शब्द है। मैं अभागन बेसहारा, मैं बहुत मजबूर हूँ, पास ना कोई मेरे घर से काफी दूर। और आगे ऐसा लगता मेरा हो जाएगी। नहीं तू इतनी ठंडक में और इतनी रात को तुम हमारे पास आई हो, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें ठंड बहुत जोरों से लग चुका है। सेठ जी कुछ तो उपाय करिए, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छे वाह भगवन तेरा मुझ पे भारी करम, वाह भगवन तेरा मुझ पे भारी करम। बहुत बड़ा कर्म है भगवान का। भगवन तेरा मुझ पे भारी करम, भारी करम। आई हो पास में करो कुछ लगम, आई हो पास में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तू और कुछ कहना चाहता हूं? कहिए सेठ जी। तो पास है सामान सब, समझो ना मजबूर तुम। अरे ठंड काफी तेज है, क्यों खड़ी हो दूर तुम? क्या कहा सर? ठंड काफी तेज है, क्यों खड़ी हो दूर तुम? और चलिए विषय तर्प कर तू तुझे चलिए जिसे तर्प करे तू। अरे तू राजी से कहना मान जाओगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हाथ ना तन में लगा, अभी कहाँ लगा? बाजी नमक हराम तू, और निशा समझी थी तुझे, और निकला है शैतान तू। कुछ भी समझ लो नीतू, शैतान समझ लो, नीच समझ लो, कमबख्त समझ लो, लेकिन हमें तुम्हारा प्यार चाहिए। तो हाथ ना तन में लगा, बाजी नमक हराम तू, हर निशा समझी थी तुझे, हर निकला है शैतान तू। ऐसा कहे के हुए शर्म आई नहीं, ऐसा कहे के हुए। तुम्हारी बोली बहुत प्यारी है नीचे, ये मैं जिगर उठा रही हूँ। हाँ नीतू देखो ये शेर दया राम
नखड़ा देखने का आदि नहीं है। अच्छा, ये नखड़ा किसी और को दिखाना। किसको दिखाऊं? सुनो मेरी बात को, तो ना दिखा नखड़े बहुत मान भी जाही रहे, लिखने वाले ने लिख दिया अच्छी तेरी तकदीर है। अच्छा, लिखने वाले ने लिख दिया अच्छी तेरी तकदीर है, और आओ पाओ में छो लो हलालो सनम, आओ बचपन के। हाँ, अरे मैंने बता दिया कि हो गया बुढ़ा, ठाट वही है। नहीं तू प्यार से मेरी बात को स्वीकार कर लो। क्या सुन, क्योंकि मैं अपने घर में अकेला हूँ। अच्छा, और तुम्हें पा करके समझ लो कि मैं चार चांद पा गया हूँ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्यार की भीख मांग रहा हूँ। कैसे जोड़े हाथ? जोड़े अब हाथ नहीं जोड़ूंगा। हाँ। अब जो कुछ कहूंगा मुंह से कहूंगा। सुनो मेरी बात को, आ जाओ। मास्टर समझ रहे हैं, हमरा तोहरा मिलनवा है नी तू, सुबह भी हो गया है और मिलन भी हो रहा है। हमरा तोहरा मिलनवा है नी तू, आज नहीं तो कल हो जाए। हमरा तोहरा मिलनवा है नी तू, हमरा तोहरा मिलनवा है नी तू, आज नहीं हो जाए। हमारा तोहरा मिलनवा है नी तू,
किया सब गुली गिरई हो, पूछिया किया सब गुली गिरई हो, सारी जनता कतल हो जाए।